आज हम बनाएंगे कम समय में तैयार होने वाला एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट। आज बनाएंगे हम लच्छा पराठा। आज मैं आपको तीन तरह के लच्छा पराठा बनाकर बताऊंगी जो बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते हैं, और ये पराठे यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी के वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरी चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम पराठे का आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर आधा गेहूं और आधा मैदा ऐसा भी ले सकते हैं। नमक डाल देंगे इसके अंदर हम स्वाद के हिसाब से, और इसके अंदर हम घी का मोयन डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब। आप चाहे तो तेल का मोयन भी डाल सकते हैं, लेकिन घी का मोयन डालने से हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे और उसके जो सारे लच्छे हैं वो भी अच्छी तरह से बाहर उभर के आएंगे। तो आटे के अंदर हम नमक और घी का मोयन जो है वो अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे का आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। जब भी आपको ये पराठे बनाने हो तो आटे को आप पहले ही गूंद कर रख दें। आधा घंटा अगर आप ये आटा लगा कर रख देंगे तो पराठे का जो आटा है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और पराठे बहुत ही खस्ता और लच्छेदार बनकर तैयार होंगे। अभी यहाँ पर मैंने जो क्वांटिटी ली है उसमें से आप 6 से 7 लच्छा पराठा बनाकर तैयार कर सकते हो। तो अभी मैंने पराठे का एक नरम सा आटा गूंद लिया है, इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हमारा आटा सेट होता है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप चाहे तो तीखा वाला लाल मिर्च भी ले सकते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हम डालेंगे चाट मसाला, 1 टीस्पून डालेंगे हम गरम मसाला, 1/2 टीस्पून इसके अंदर हम हल्दी पाउडर मिलाएंगे और 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर नमक मिलाएंगे। नमक आप स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप नमक मिलाएं तो थोड़ी सावधानी से मिलाएं क्योंकि चाट मसाले में भी नमक रहता है। आप चाहे तो काला नमक भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। ये मसाला बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चुटकी भर हींग। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाली है। हींग से क्या होगा कि बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी हमारे पराठे में, तो अगर आप हींग खाते हैं तो ज़रूर डालें। साथ में मैंने लिया है देसी घी, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। कसूरी मेथी ली है, हरा धनिया है हमने जो मसाला तैयार किया वो, और पनीर जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आटा अभी हमारा सेट हो चुका है तो आटे को हम एक बार अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बड़े से लोए तैयार करेंगे। लच्छा पराठा बनाने के लिए आप आटे का थोड़ा बड़ा लोया लें और इस तरह से तैयार कर लें। तो पहले हम आटे के लोए तैयार कर लेंगे। बेलने के लिए यहाँ पर मैंने जो चावल का आटा आता है उसका इस्तेमाल किया है। उसका जो टेक्स्चर है वो बहुत ही स्मूथ होता है। पहले हम जैसे रोटी बेलते हैं ना उसी तरह से इसे भी बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको बहुत ही खस्ता और लेयर वाले लच्छा पराठे बनाने हैं तो पहले आप रोटी की तरह ही पराठे को बेलकर तैयार करें। बड़ी सी रोटी हमें बेलनी है और ध्यान रहे कि वो न बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए न ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बीच बीच में सूखा आटा भी छिड़क सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर हम घी लगा देंगे। ब्रश की मदद से हम चारों ओर अच्छी तरह से घी लगाएंगे। घी लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें क्योंकि अगर घी आपने अच्छी तरह से लगाया नहीं होगा तो पराठे के जो लच्छे हैं वो अच्छी तरह से खुलेंगे नहीं। अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप नॉर्मल वाली लाल मिर्च भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कलर बहुत बढ़िया आए लेकिन पराठा काफ़ी ज़्यादा तीखा ना हो। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली है। अभी मैं आपको 3 तरह का वेरिएशन बता रही हूँ, आपके घर में जो भी अवेलेबल है उससे आप ये बना सकते हैं। अब हम थोड़ा सा पराठा उठाएंगे और उसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। बचपन में हम जिस तरह से कागज़ का पंखा बनाते थे इसी तरह से हमें ये पराठा बनाकर तैयार करना है। अब हम इसके ऊपर भी हल्का सा घी लगा देंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे। तो इसे उठाएंगे और इस तरह से बीच में से गोल घुमाते जाएंगे और जो इसका एंड है उसे हम अंदर लेकर फिक्स करेंगे ताकि ये खुल ना जाए। हल्के हाथों से दबा देंगे और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे बेल देंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है ताकि हमने जो इसके अंदर लच्छे बनाए हैं
वो खुल ना जाए और एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो जाए। तो हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा भी इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। तो इस तरह से अभी मैंने कसूरी मेथी वाला पराठा बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे एक प्लेट में रख देंगे और उसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे ताकि जब दूसरा पराठा इसके ऊपर रखे तो वो चिटक ना जाए। अभी मैं आपको एक दूसरी फ्लेवर वाला बता रही हूँ। रोटी बेल देंगे और उसके ऊपर घी लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्च थोड़ी सी बारीक कट करके डाल सकते हैं और हरा लहसुन आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा तिल स्प्रिंकल करेंगे। सर्दियों के मौसम में हमें तिल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उसमें ऑयल रहता है। इसे भी हम फोल्ड कर देंगे और उसी तरह से बेल देंगे जैसे हमने पहले पराठा बेलकर तैयार किया था। तो इस तरह से आप पहले ही पराठा बेलकर रख सकते हैं और फिर सेक कर गर्मा गर्म आप उसे सर्व कर सकते हैं। यह अभी दूसरा वेरिएशन हो गया। इसके बाद हम तीसरा वेरिएशन बनाएंगे जो पनीर वाला होगा। आप चाहे तो पनीर के साथ चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। रोटी को बेलना है, उसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाना है, मसाला स्प्रिंकल करना है और फिर कसूरी मेथी या हरा धनिया जो आपको पसंद है वो डालना है और ग्रेट किया हुआ पनीर मिला देना है। उसी तरह से फोल्ड करेंगे और ये पराठा भी बेलकर तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ये पराठा अगर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं तो सब्जी या फिर दाल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब एक एक करके हम पराठे को सीक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। पराठा डाल देंगे, जब ये एक साइड से थोड़ा सा सीक जाए तो पलट देंगे और फिर दूसरी ओर भी सीक लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम और स्लो के बीच में रखना है। दोनों साइड हम घी लगाएंगे। आप चाहे तो ये पराठा बटर में या फिर तेल में भी सेक कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में घी खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों साइड घी लगाएंगे और सेक लेंगे। जैसे जैसे आप घी लगाते जाएंगे इसके जो परत है यानी इसके जो लच्छे हैं वो खुलते जाएंगे। ये पराठा सेक कर तैयार होने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो पराठा सेकने में जल्दबाजी ना करें। स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर ही आप अच्छी तरह से दोनों साइड घी लगाकर इसे सीक कर तैयार कर ले। तो अभी हमारा पराठा सीक कर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो परतें हैं वो अभी आपको खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये पराठा जब गर्म होता है तब परतें आपको अच्छी तरह से नहीं दिखती, लेकिन जैसे ही ये ठंडा हो जाता है आपको इसमें बहुत सारी परतें दिखाई देने लगती है। तो इसी तरह से हम पराठे तैयार कर लेंगे। ये पराठे को अगर आप ब्रेकफास्ट में सर्व कर रहे हैं तो इसके साथ दही और अचार सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे दही और हरी चटनी के साथ सर्व किया है। तो एक बार आप ये लच्छा पराठा की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना मुझे ना भूलें और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन ग्राफ रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलते हैं ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।